हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुरभि मैम हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पिछली कक्षा का काम पूरा कर लिया होगा। तो आज फिर हम अपनी हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। हम बिना मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बिना मात्रा के शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिसमें मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जिनमें मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि पिछली कक्षा में आपने स्वर और व्यंजन की पहचान तो की ही थी, अब हम उन्हें जोड़कर शब्द बनाएंगे। दो वर्णों वाले शब्द। दो वर्णों वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ दो वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो शब्द दो अक्षरों या दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे धन, इसमें देखो दो ही वर्ण यूज हुए हैं, ध जमा न, ध न, क्या बोलेंगे इसको? धन। क जमा प, कप, क जमा प, कप। तो अगला शब्द है दस। अब ये कैसे बनाए? द जमा स, द जमा स, क्या बनेगा? दस। जैसे कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां होती है? दस। अब अगले शब्द पे आइए, गज। ये कैसे बनाए? ग जमा ज, ग जमा ज, क्या बोलेंगे इसको? गज। और गज यानी हाथी। अब इसे ये शब्द देखिए, पढ़। प जमा ड, प जमा ड, यानी पढ़। अब हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो आपने ये सारे शब्द पढ़े जो दो वर्णों वाले शब्द हैं। अब आपको अपनी हिंदी की अंकुश किताब का पृष्ठ नंबर 15 पाठ नंबर 5 खोलना है। तो बच्चों, अब पहला चित्र देखिए। अब बताइए पहला चित्र किस चीज का है? घर। वेरी गुड। अभी कैसे बनाए देखो, घर, 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 घर। अब अगला चित्र किस चीज का है? फ्रूट्स का। वेरी गुड। फ्रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फल। क्या आप अपने घर में फल खा रहे हो रोज? आपको रोज फल खाने हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे? फल, फल। अगला चित्र आपको किस चीज का दिखाई दे रहा है? ये सब क्या है? हाँ, पेड़। क्या है ये? पेड़। लेकिन पेड़, ये इतने सारे पेड़ कहाँ पे होते हैं? ये वन में। कहाँ होते हैं? वन। अब वन कैसे बना है देखो, व न, वन, व न, वन। तो बच्चों, अपनी उंगली शब्द पर रखें और मेरे साथ बोलें। न जमा ल, नल। ज जमा ल, जल। क जमा ल, कल। च जमा ल, चल। ह जमा ल, हल। ड जमा र, डर। प जमा र, पर। क जमा र, कर। च जमा र, चर। न जमा र, नर। द जमा स, दस। ब जमा स, बस। ज जमा ग, जग। प जमा ग, पग। ल जमा ग, लग। अब आखिरी पंक्ति में आते हैं, च जमा ड, चढ़। ब जमा ड, बढ़। प जमा ड, पढ़। म जमा न, मन। त जमा न, तन। इसे भी पढ़िए, च ल चल, अ ब अब, घ र घर, च ल चल, चल अब घर चल, च ल चल, क र कर, ज ल जल, भ र भर, चल कर जल भर। फल, फल,
रख फल रख, रस चख रस चख, फल रख रस चख, छत छत, पर मत मत, चढ़ चढ़ छत पर मत चढ़, चल अब घर चल, चल कर जल भर, फल रख रस चख छत पर मत चढ़। तो बच्चों अब हम दो वर्णों वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। बस पर क्या करते हैं? चढ़ते हैं। बस पर चढ़, यहाँ पे लिखो चढ़। डैश भरकर रख, क्या भरकर रखते हैं? जल, जल भरकर रख। ये कार्य आप अपने पेंसिल से सुंदर सुंदर अपनी किताब में करेंगे। घर पर फल, फल को क्या करते हैं? चखते हैं। घर पर फल चख। रथ डैश चढ़, रथ पर चढ़। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्दों से समान तुक वाले अन्य दो दो शब्द छांटकर लिखिए। समान तुक वाले शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे चढ़ बढ़, कर मर। अब ये आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़। तो बताइए मुझे इसमें पढ़ में कौन सा और आपको समान तुक वाले शब्द लग रहे हैं? हाँ, शाबाश, चढ़ और बढ़। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चढ़ बढ़। अगला है जल। अब जल के समान तुक वाले शब्द बताइए। यस, नल हल, नल हल। लिखो तो बच्चों अब आपको यह कार्य अपनी किताब में प्रश्न नंबर 16 पर अपनी पेंसिल से सुंदर सुंदर लिखना है और बाकी दो बचे हुए ये खाली स्थान खुद से भरने हैं। तो बच्चों आपको बार बार ये शब्द बोलने हैं और अपने आसपास दो वर्णों वाले शब्द ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।